दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और एक डेल का केस स्टडी मैं बना रहा हूं। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो हो गई है क्योंकि एक ट्रिकी केस है ये। जनरली डेल के आजकल सेकंड हैंड लैपटॉप बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ प्रॉब्लम है जिसका कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा सोल्यूशन होता है और कुछ आसानी से हो जाते हैं। तो मुझे भी लगता है कि ये उन्हीं में से ही एक बोर्ड है जो आसानी से रिपेयर हो जाते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, बंदे ने सिर्फ बायोस का रखा है जिसने भेजा मेरे पास। पावर लगाते हैं, लोड देखिए, एक बार पावर लगाया है और अभी ऑन नहीं किया है। चलिए ऑन कर देते हैं, तो सीधे पहुंच गया। कहाँ, कोर भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें शॉर्ट सर्किट है। तो अगर हम चेक करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ मैं और ले चलता हूँ। ये देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ कोर, तो कोर को देखते हैं। ठीक है, सही है, GFX नहीं बन रही है, कोर तक की वोल्टेज बन रही है। GFX तो तब बनेगी जब रैम वगैरह लग जाएगी। तो इसमें जो सॉल्यूशन है, एक सिंपल सा सॉल्यूशन आपको करना होता है। आइए यहाँ पर देख लीजिए, इस IC को आपको निकाल के बाहर फेंक देनी है। और जनरली अभी मैंने ऐसा दो तीन बोर्ड ठीक किया है, तो एक और भी दिखा देता हूँ जो लगे हाथों। ये देखिए, ये वाला एरिया मतलब ये जो मॉडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, LA-F311 है। ठीक है, LA-311। और ये जो मॉडल है LA-E071P, इतने तरह का डेल का मॉडल आ चुका है लैटिट्यूड का कि जिसका कि कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, किलो के भाव में बनाया है ये बोर्ड, मतलब ये सब जो बने हैं। तो इसमें क्या दिक्कत आती है, उसमें देखा कि सी टाइप वाला एरिया उड़ा दिया है, चूंकि DC जैक दिया हुआ है इसलिए सी टाइप वाला एरिया उड़ा देते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं, जनरली PG कंट्रोलर खराब होती है, समटाइम शॉर्टिंग पता चलता है, समटाइम नहीं पता चलता है। तो आप, ये इतना क्यों हिल रहा भाई, आइए इधर। तो इस IC को हम अभी यहां पर से रिमूव करने वाले हैं। तो ये तो पूरी मेन कंट्रोलर है, इसके बाद अगर नहीं हुआ तो, और ये इसलिए कर रहा हूँ, मतलब पूछेंगे क्यों कर रहा हूँ, तो आप जब DC चेक करेंगे तो पहली वाली स्विचिंग तो सही है, इसकी स्विचिंग नहीं हो रही है। इसकी स्विचिंग पर गेट पर 18 वोल्ट आ रही है, यानी ये जो ऑफ होने का वजह है, ये जो ऑफ होने का वजह है, अभी कितना जूम क्यों हो गया है, ठीक है, ये जो ऑफ होने का वजह है वो सिंपली IO, ये जो है आपकी कंट्रोलर IO, उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है DC इन की, बिकॉज ऑफ सी टाइप। अब सी टाइप का एरिया चॉक कर देता है नॉर्मल DC इन को भी। तो एक तो ये कंट्रोलर निकाल के फेंक रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर के पास जनरली अडेप्टर ही होता है जिसमें सी वाली प्रॉब्लम आएगी। तो जो सी ही रहता है, जैसे अभी देखिए मैंने अभी रिपेयर किया ये बोर्ड, तो सी है तो इसको तो चलाना ही पड़ेगा। ये बोर्ड है हमारे पास सी वाला, ठीक है, ये सी वाला बोर्ड है, HP का X360, अभी जस्ट रिपेयर किया इसे। इसका वीडियो भी आप देख लेंगे। तो अब उसके अंदर निकाल के छोड़ नहीं सकते, उसके अंदर हमें लगाना ही पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही कि जिसमें सी है और नॉर्मल भी है, तो इसमें आप निकाल के हटा सकते हैं, एक पॉइंट ये है। दूसरा है आपके पास इसकी PD कंट्रोलर IC, ठीक है, PD कंट्रोलर IC, एक ये भी बहुत ख़राब होती है, चूँकि देखिए क्या होता है कि इसके अंदर LDO वगैरह भी होती है। अब आप नॉर्मल चेक कर रहे हैं बोर्ड, नॉर्मल चेकिंग में प्रोसेस में क्या होता है कि वो चीज़ नहीं चेक करेंगे आप, कि सी टाइप को क्यों चेक करेंगे आप, सीधी सी बात है, जब सी टाइप लगाना ही नहीं है तो आप क्यों चेक करेंगे। तो जनरली खराब होती है बट पता नहीं चलता आपको, समटाइम हल्का हल्का हीट हो रही होती है, समटाइम नहीं हो रही होती है, लेकिन चौक कर जाती है वो। आइए अब इसको एक बार पावर लगाते हैं और ऑन करके देखते हैं कि क्या सूरत है। तो एम्पेयर थोड़ा सा कम हुआ है, यानी वो IC थोड़ा थोड़ा गर्म हो रही होगी, वैसे मैंने चेक नहीं किया, ग्लास पे नहीं, वो में ऑन होके ऑफ हुआ है। बायस वगैरह भी किया हुआ है, अभी नहीं पता कि बायस सही है या नहीं। XMC की लगाया है, इसमें लगती तो नहीं XMC की,
ठीक है। तो इसमें जो लोड है 500 ऑन होके ऑफ हुआ है, फिर से स्टार्ट होना चाहिए। नहीं हुआ, फिर से स्टार्ट। ठीक है, और जहाँ तक बात हुई कि ऑन ऑफ स्विच इसमें काम नहीं करता है, ये भी कॉमन प्रॉब्लम आती है। हाँ, ऑन ऑफ स्विच तो काम कर रहा है, इसको ऑन ऑफ स्विच से ऑन किया तो ऑन हो गया, ऑफ भी हो गया, दोबारा ऑन नहीं हो पा रहा है। तो बायस करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बोर्ड ठीक हो जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं लूँगा, बस सिर्फ इसलिए दिखा रहा था कि ये बोर्ड इस तरह की प्रॉब्लम जब आती है। अब हम खाली एक बार मैं आपको ये पॉइंट दिखा देता हूँ इसका, जब आपको सिर्फ क्लू दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या सॉल्यूशन बनाऊंगा इसका। बैठ के देखिए, जितना भी उसकी गंदगी होती है जो मेरे पास करके भेजते हैं लोग, मेरा तो अब दिल उठ चुका है जेनरिक लैपटॉप से कि उसको मैं अब रिपेयर करूँ। जिस हालत में मेरे पास आता है आप यकीन नहीं मानेंगे। तो हमें 1.8 वोल्ट मिल रही है, जो कि पहले 18 वोल्ट मिल रही थी। वो क्यों होती है, डीसी इन को ज़रूर चेक करिए। ये मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि डीसी इन को प्रॉपर चेक करिए, चाहे डीसी इन इंटर हो रहा हो, 3-5 बन रहा हो, नहीं हो रहा हो, बट ज़रूर करिए चेक। आपको वहाँ से क्लू मिल जाएगा। अगर बायसिंग नहीं हुई है गेट की, उसके बाद भी अगर आपको वोल्टेज मिल रही है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है कहीं पर। अब प्रॉब्लम का क्या रीज़न हो सकता है, हो सकता है कि वो आयो ही खराब हो रही हो, या आयो को गलत इन्फॉर्मेशन जा रही हो सी के थ्रू। दोस्तों, हर बार की तरह हम लोग आपके लिए लेके आए हैं 15 अगस्त ऑफर, जो कि अभी से बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी। आप दिए हुए नंबर पर हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पुराना वीडियो हम लोग पहले सेल कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने उसी में बहुत कुछ ऐड किया है, जैसे कि टाइप सी का पूरा कंसेप्ट है इसके अंदर, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है, गेमिंग लैपटॉप के कंसेप्ट हैं जो कि आजकल हॉट है बहुत ही, और जो लेटेस्ट जनरेशन यानी कि 10 जनरेशन और 11 जनरेशन में जो चिपसेट यूज़ होती है, PCH 400 एंड 500 सीरीज, इसका मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है। तो ये भी आपको अपडेट के साथ मिल जाएगा, यानी जो प्रीवियस वीडियो जितने भी थे वो, प्लस ये वीडियोस भी आपको साथ में मिलेगा। और जो भी लेटेस्ट बोर्ड हमारे पास आ रहे हैं, जो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उसका हम केस स्टडी बनाते हैं, वो केस स्टडी भी आपको इसके साथ मिलेगा। और जो हमारे पुराने लड़के हैं जिसने पहले से कोर्स ले रखा है और उसके पास ये सारे वीडियो नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह रेनवल के साथ ये वीडियो आपको अपडेट मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, इंग्लिश वाले को ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं कि हमारा वीडियो कब अपडेट होगा। तो हम लोग वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, और डिले के लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर डिले हो रहा है आपको। तो हमारे पास भी काफ़ी लोड होता है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ आपके साथ न्यू शेयर करते रहें। तो 15 अगस्त का ये ऑफर वैलिड होता है, 1 महीने के लिए होता है, वन टाइम पेमेंट करना होता है, और 25% डिस्काउंट के साथ ये हर साल हम लोग आपके लिए लेके आते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पर लोगों को फाइनेंशियली दिक्कत होती है, लोग जो है ट्रेनिंग लेने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो जॉब कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल से वो मैनेज कर पाते हैं। तो अभी से ही ये स्टार्ट हो चुका है बुकिंग, आप बुक करा सकते हैं। तो बुकिंग के लिए आप दिलदार सर को ही फ़ोन करिए, और मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिए, और आप अभी बुक करा सकते हैं। और इसकी पेमेंट आपको 1 महीने के अंदर करनी होती है, यानी आप दिसंबर में, सॉरी, आप अगस्त में इसे लेंगे, और सितंबर तक, यानी 15 अगस्त से 15 सितंबर तक ये वैलिड होता है, जिसमें आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। और अभी से भी आप दिलदार सर से पूछ सकते हैं, अगर अभी आपको चाहिए, मान लीजिए आप अगस्त तक वेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं पेमेंट देने के बाद। तो चलिए अब केस स्टडी की तरफ वापस चलते हैं हम लोग। तो आई होप कि एक छोटा सा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।